नमस्कार, जय भूमिपुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिंह। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सरकार ने नोटबंदी कर नए नोट छापकर नकली नोट पर लगाम लगाने की कोशिश जरूर की थी, पर आज भी नकली नोटों का प्रचलन बाजार में धड़ल्ले से चल रहा। हाल ही में नरसिंहपुर जिले में नर्मदा के किनारे चल रहे धार्मिक मेले ब्रह्मांड घाट मेले में 100 से 200 के नकली नोट पकड़ने का मामला सामने आया। मेले की भीड़भाड़ का लाभ उठाते हुए छोटे छोटे व्यापारियों से सामान खरीदने के दौरान उन्हें नकली नोट थमा दिए गए और जब उनकी जानकारी में आए तब जाकर उन्होंने मेला प्रशासन को अवगत कराया। पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने पंचनामा बनाकर के नकली नोटों को मेले में पकड़ने के लिए टीमें भी बनाई हैं और पुलिस प्रशासन ने अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को और व्यापारियों को भी चेतावनी दी है। ये हमारे यहाँ पे दुकान पे 100 रुपए का ये जो नया वाला जो नोट है, जो मोदी जी ने पुराने नोट बंद करवा के नए नोट जो निकाले थे उसमें 100 रुपए का नोट जो था तो वो नकली आया है हमारे पास। अब ये क्या है, भीड़भाड़ का टाइम रहता है, उस टाइम पे तो अपन ने रख लिया और आदत यही रहती है कि लिया अपन ने रख दिया। मतलब मेला कमेटी जो है हमारे यहाँ की बरमान मेला कमेटी, तो उसके लिए हमने इनको जानकारी दी 100 रुपए का नोट नकली आ रहा है। मैं जानकारी आई है कि ये नकली नोट आया है और चूँकि एक बड़ा मेला हमारा बरमान का लगा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ इस प्रकार की चेष्टा की गई है। अभी इसको हम नकली नोट को हमने अपनी कस्टडी में रखा है और इसको थाना प्रभारी के पास जांच के लिए भेजेंगे और यहाँ मेले पे लोकल स्तर पे भी मुनादी करा रहे हैं कि कृपया ऐसे जो मुद्राएं हैं, नोट हैं, नकली टाइप के हैं, उनसे सावधान रहें और सूचित करें। नरसिंहपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।